सुंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मेरा सबसे पसंदीदा खाना मैं बना रही हूँ, आपको तो पता ही होगा, पानी पूरी। मैं जिंदगी में पहली बार पानी पूरी बना रही हूँ। जब मैं इंडिया दिल्ली में रहती थी तब हमेशा पानी पूरी खाती रहती थी। मुझे पानी पूरी बहुत ही पसंद है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। शुरू करें। मैं एक हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की जो भारत से प्यार करती हूँ। भारत और जापान का संबंध को और मजबूत करने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। धन्यवाद। गारंटी है कि ये पानी पूरी की पूरी 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 भी बनेगी और कुलकुली भी बनेगी। गारंटी है क्या? चलो मैं ट्राई करके देखूंगी। आज कुकिंग शॉकिंग हिंदी नामक यूट्यूब चैनल का रेसिपी मैं फॉलो करने वाली हूँ। सबसे पहले चार आलू में पानी डाल के बढ़ने देंगे। जापान में ना हम कहते हैं आलू मूली ये सब ठंडा पानी में डाल के उबालो, ऐसे इंडिया में कहते हैं क्या? आज तो इमली की चटनी और हरी पानी ये सब ना स्क्रैच से बनाने वाले हैं। कोई बनी हुई चीजें तो खरीदी नहीं। अब इमली का पल्प बनाना है। चलो इमली है जो 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है, इसको हाथों से सॉफ्ट करना है। थोड़ा अजीब सा फील लगता है। हाँ अब ठीक लग रहा है, तो अब इसको छान लेना है। ओह ठीक है, लगता है पानी थोड़ा कम था इसलिए फाइबर में अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। हाँ थोड़ा सा पानी डाल के फिर ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ठीक से अलग हो गया, ये खाने का मन कर रहा है इसलिए मैं खा के देखूंगी। टेस्टी है लेकिन ज्यादा खट्टा है। अब इमली का पानी पान में लगा के गरम कर देंगे। लगातार हिलाते रहना चाहिए। हाँ लगता है ये बन गया, तो मैं गैस ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने दूंगी। अब पूरी बनाऊंगी, इस बार सूजी से बनाऊंगी ना। 1 कप डाल के, ज्यादा है क्या? अब 2 चम्मच के आसपास तेल लगाना है, इतना शायद, इससे मिला देना चाहिए। और थोड़ा तेल। पिछली बार जो छोटे भटूरे बनाया था मैंने तभी तो क्रिस्पी नहीं हुआ भटूरे, इसलिए आज मैं उम्मीद करती हूँ ये क्रिस्पी बन जाए। रेत जैसी हो चुकी है। रेत जैसा बन गया, अब पानी डाल देंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उंगली नहीं रख सको। बिल्कुल गर्म पानी तैयार है। हाँ थोड़ा रख के ठंडा होने देंगे गर्म पानी, नहीं तो मेरी उंगलियां जल जाएगी। थोड़ा 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 डाल के अच्छा, नमक से कड़वापन आ जाता है दोस्तों। अरे नमक तो नमकीन होती है, क्यों कड़वापन आती है पता नहीं, लेकिन वो तो प्रोफेशनल है। पानी ज्यादा था क्या? पता नहीं, थोड़ा पानी ज्यादा लग रहा है, लेकिन लगता है सूजी पानी अब्सॉर्ब कर रहा है इसलिए और थोड़ा ऐसे ही मश करते रखूंगी। अब लगता है पानी थोड़ा कम है क्योंकि सूजी पानी को अब्सॉर्ब करते रहता है ना शायद, और थोड़ा मैं पानी डालूं क्या? लेकिन ये कब तक होगा, मतलब थोड़ा डाल के फिर और थोड़ा मैश करूंगी, पता नहीं लेकिन शायद ये ठीक होगा। हाँ थोड़ा पानी लगा के कपड़ा लगा के थोड़ा रखूंगी। डन 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 डन। अब मसाला बनाऊंगी। मसाला के लिए पुदीना और कोरिएंडर। सुगंध आ रही है। इतना ठीक होगा। और धनिया भी, ये आधा है ना पुदीना से आधा धनिया। हाँ इतना ही ठीक होगा। धनिया और थोड़ा डालो क्या? हाँ और इतना। वीडियो में इतनी ज्यादा हरी मिर्ची डालते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगी, एक भी हरी मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि स्पाइसी तीखा वाला नहीं बनाना चाहती। अदरक भी। अब पानी थोड़ा डालकर, इतना पता नहीं कितना, इतना। हाँ ये ब्लेंडर नया नया खरीदा है और आज तक इस्तेमाल नहीं किया, तो पहली बार ये भी इस्तेमाल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ठीक से काम करे। एक मिनट, मुझे लग रहा है शायद ये वाला इस्तेमाल करना होगा। चलो ये इस्तेमाल करूंगी।
ये जूस बनाने के लिए बड़ा वाला होता है ना, तो डाल के चलाओ फिर इसे थोड़ा। ये वाला इस्तेमाल करना था ना, बन गया। अब उबले हुए आलू को चीर कर मच करेंगे। हाथों से भी मच कर सकते हैं, लेकिन अभी तो क्या मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करके ये बना रही हूँ ना, इसलिए मैं हाथों को गंदा नहीं करना चाहती, ठीक है ना। एक चम्मच छत मसाला, काली मिर्च पाउडर तो ब्लैक पेपर है ना, हाँ तो थोड़ा डालूंगी। एक चम्मच भुना जीरा का पाउडर, मतलब जीरा को आप तवे पर रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करना है क्या, ये जरूरी है? चलो जीरा पाउडर फटाफट रोस्ट कर दूंगी, हो रहा है ना, पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन कहा तो है रोस्ट सिर्फ जीरा, इसलिए रोस्ट करके डालने वाली हूँ। सुगंध आ रही है। अब इसको एक चम्मच डालने वाली हूँ, एक चम्मच जीरा पाउडर। मेरे पास काला नमक नहीं है, इसलिए बस दो चम्मच सफेद नमक डालने वाली हूँ, ठीक। जो चटनी हमने बनाई थी ना मसालों की, हाँ बनाया था, जितना मन करे आप इसमें डाल सकते हो, जितना मन करे। सच्चे अगर मैं एक लिटर डालना चाहती हूँ तो वो भी ठीक है क्या? अरे ऐसे करेंगे तो खराब हो जाएगा, और आपने तो कहा था गारंटी है। माफ कीजिएगा बस मजाक है। तो हाँ एक दो चम्मच मैं डालने वाली हूँ, दो चम्मच डालूंगी क्या? तो बस सब कुछ डाल दिया। मिक्कुसु बन गया, तो मैं थोड़ा चेक करूंगी। इतना थोड़ा नमक ज्यादा था, लेकिन ठीक है क्योंकि सूजी और पानी के साथ मैं खाने वाली हूँ ना पानी पूरी के रूप में, तो ज्यादा नमकीन तो सही है, और उसके अलावा बहुत अच्छा है ये पुदीना और कोरिएंडर का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। चलो जल्दी जल्दी बनाऊंगी, मुझे तो भूख लग रही है। अब पानी बनाऊंगी, पानी उतार के कोई नहीं, मैंने एक बार वास्तव में ना मेरा लैपटॉप डाला है गलती से, तो इतना पानी तो कुछ नहीं है मेरे लिए, और ना लैपटॉप को ना साफ करने का एक मौका है। चलो थोड़ा दूर कर देंगे और पानी डालेंगे, चलो बस इतना ही, मेरे तो इतना ही डाल दूंगी। कितना और थोड़ा सा नमक तो कम ही डालूंगी, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है आलू में ज्यादा नमक डाला है। ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर भी थोड़ा सा डालूंगी, हाँ आधा चम्मच चाट मसाला, हाँ। ये इमली का पानी नहीं है, पल्प है, तो शायद थोड़ा सा डालना अच्छा होगा ना। चलो अब इमली का पल्प, हाँ चार चम्मच नहीं बस इतना ही पहले डालूंगी, क्योंकि ये तो पल्प है, कंडेंस्ड है। मजे 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 मजे, मजा आना चाहिए, ऐसा दिखता है। नहीं 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 नहीं, कुछ कम है, इमली कम है, खट्टा नहीं है, इसलिए थोड़ा और इमली डालने वाली हूँ। ओके सेकंड ट्राई, बेहतर है, बेहतर है, हाँ लेकिन ना लगता है कुछ अलग है। मजा तो आया लेकिन नमक का टेस्ट नहीं आया। अरे दोस्तों नमक तो डाला ही नहीं है, साइड और फिर से टेस्ट करेंगे। चलो मैं भी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि मुझे भी लगा कि नमक थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगा ऐसा ही है, तो बढ़िया, मुझे लगता है ये सही है, ठीक है। दूसरी चम्मच से मिक्स कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। हाँ मैं तो चिंता नहीं कर रही थी, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने कहा है, मैं भी हर बार धोके आती हूँ इसलिए चिंता मत की। अब इमली का पानी बनाऊंगी, इसमें आधा लीटर पानी डाल के 70-80 ग्राम गुरु नहीं डालूंगी, पहले आधा डालूंगी और देखते हैं। इसमें फिर ब्लैक पेपर, चलो एक बार ट्राई करूंगी, बहुत अच्छा है। हाँ इसमें और थोड़ा इमली डाल सकती हूँ, बस इतना और
मुझे ना इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, पानीपुरी में भी है और दही बड़े के ऊपर में जो इमली की चटनी है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ना पानीपुरी बहुत तीखा भी हो सकती है, मिर्ची लगती है और जब मिर्ची लगती है बहुत मिर्ची लगी ऐसे सोचते सोचते ना इमली की मीठा पानी जो मूवमेंट फैलता है तो वो बहुत अच्छा है। और एक बार ट्राई करूंगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मसाला तैयार है, इमली की चटनी तैयार है, पानी तैयार है, अब पूरी बनाएंगे और खाएंगे। चलो अब देखेंगे ये कैसा बन गया। मुझे लगता है पानी और ज्यादा डालना है क्योंकि सूजी पानी को अब्सॉर्ब करके थोड़ा मतलब क्रस्ट लग रहा है ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैं मश करूंगी। चलो अब लगता है सूजी फिर से तैयार है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में करूंगी। पहले इतना इतना ही है ना, इतना टुकड़े में करना है ना। अब इसको एक एक ठीक है ना। हाँ, इसको एक कपड़े में छुपा के रखना है क्योंकि सूजी जल्दी जल्दी सूख जाती है, ऐसे ही मेरे गुरु ने कहा है। जल्दी 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 जल्दी, पहली बार बना रही हूँ इसलिए अगर थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है ठीक है, और इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा साइज सबसे अच्छा है ना। हम तो गलतियाँ से सीखना ही है। कई पूरी बनाई है तो इसको कपड़े में छुपा छुपा के फिर और एक एक बेरंग लगाएंगे। एक दो, कितना पतला करना है मुझे नहीं पता, एक ट्राई करके देखेंगे। रुको रुको, अरे अरे कोशिश करो हैं? अगर एक भी नहीं बनता तो आज पानीपुरी नहीं खा सकूंगी मैं क्या करूं अरे इतना खराब, कहां था ना गारंटी है। ये क्या चीज है, पूरी नहीं है ये, बिस्किट है क्या। अगला वाला और थोड़ा मोटा बनाऊंगी, लगता है पानी कम है इसलिए है क्योंकि फूक जाओ फूक जाओ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यू गॉट इट। अच्छा है, कम से कम एक पानी पूरी तो आज खा सकूंगी। इतना मेहनत करके अगर एक भी पानी पूरी नहीं खा सकती तो थोड़ा बुरी बात है ना। देखो दूसरा वाला, हाँ थोड़ा सा ही है, मतलब गोल नहीं है लेकिन फिर भी बेहतर है। तीसरा चैलेंज है, उम्मीद करती हूँ ठीक से बनेगा। कपरे 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 नहीं, छेद है देख सकती हूँ मैं, छेद है इसलिए बहुत मुश्किल है। अरे पानी पूरी नहीं बना खा सकूंगी। मुझे लगता है इतना ज्यादा पतला करने की जरूरी नहीं है, अगर पतला करेंगे तो टूट जाता है। ठीक है गंबरे गंबरे मेरी प्यारी पानी पूरी, देखो ठीक है ना। दूसरा भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा टूट गया। अरे बहुत मुश्किल है, आराम से आराम से। मैं तो बिगिनर हूँ इसलिए एक एक ही कर सकती हूँ, पानी पूरी वाला जैसा ना दो तीन एक बार में नहीं कर सकती। ये के बन गया है, ये पूरी है क्या। हाँ मुझे लगता है पूरी के अलावा ये सब ठीक बना है लेकिन कई पूरी इतना ही मतलब फूक गया। लेकिन हाँ लगता है कुछ तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ पूरी ये कागज है क्या ये क्या है चढ़ा हुआ है। लेकिन पहली बार मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत पसीना आ गई तो मैं एंजॉय करने वाली हूँ। इधर की इसमें थोड़ा हाँ लेकिन आवाज ना, हाँ आवाज तो ठीक है गारंटी है ना। हाँ अच्छा आवाज तो आ गया, और इसमें थोड़ा ही डाल सकती हूँ ना आलू आलू नहीं डाल सकती है लेकिन ठीक है। इमली की चटनी और थोड़ा सा लगा के और फिर पानी थोड़ा लगा के जल्दी जल्दी खाऊंगी बहुत अच्छा, मैं बहुत ही खुश है। मुझे लगा ये बहुत ही खराब बना है, पूरी तो खराब है लेकिन बाकी सब ठीक है। और जबरदस्ती आलू डालूगी तो ठीक है ना।
हाँ, और ये सुनो ये आवाज बहुत अच्छा आवाज आ रही है ना। मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे नहीं लगता आप मेरी ये जो खुशी को समझ पा रहे हैं। बहुत दिनों बाद पानी पूरी खा रही हूँ, वो भी पहली बार खुद बना के। अपने को रोक नहीं पा रही हूँ ना। आपको कैसा लगा? हाँ, ये बहुत स्वाद, बिल्कुल सही। अगली बार फिर से ट्राई करके देखेंगे अच्छे से मैं पानी पूरी पूरी बना सकूं कि नहीं। और इसके लिए आपकी एडवाइस चाहिए, सुझाव दीजिए कि जो मैंने आज किया है इसमें क्या क्या गलत थी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।